तो भाई लोग, ये है अपने लाइफ का सबसे पहला आईफोन जिसे मैंने इस अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में लिया है। और भाई लोग, मेरे लिए तो ये सिर्फ एक फोन नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। और इतने महंगे फोन के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती है, तो आगे देखते हैं मैं उस जिम्मेदारी को निभा पाता हूँ या फिर नहीं। क्योंकि मैंने इस फोन को ना ही शौक के लिए लिया है और ना ही किसी को दिखाने के लिए लिया है। मैंने इस फोन को, मतलब जो लोग BGMI कॉम्पी वगैरह खेलते हैं वो लोग समझ जाएंगे कि मैंने इस फोन को क्यों लिया है। तो भाई लोग, इसका रियल अनबॉक्सिंग तो डिलीवरी वाले भाई के सामने ही हो गया था, लेकिन मैंने इस फोन को फिर से पैक कर दिया है और अब आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा अपना फोन। और फोन देखने में काफी सुंदर, एकदम मस्त दिख रहा है। ये स्टारलाइट कलर है जो कि आईफोन 13 में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो फोन को अभी के लिए साइड में कर दे और मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ कि आपको बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले तो आपको एक चार्जिंग केबल मिलता है और साथ में कुछ गाइड बुक्स मिलती है, और इसमें आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है और साथ में एक एप्पल का स्टिकर भी मिलता है। तो जब ये फोन मेरे पास आया तो सबसे पहले मैंने इसे वेरीफाई करा कि ये ओरिजिनल है या नहीं। तो वेरीफाई कैसे करते हैं मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। तो देखो, जो अमेजन से पैकेज आपको रिसीव होगा वो तो सबसे पहले सिक्योर पैकेज होगा। तो सबसे पहले आपको पैकेज को ध्यान से देखना है, पैकेज कहीं से भी फटा वटा नहीं होना चाहिए और ना ही किधर से मतलब टेप उस पर चिपकाया गया होगा, मतलब एकदम क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पे जो गाइड लिखा होता है पैकेज पे, वो भी आप पढ़ के एक बार समझ लेना कि पैकेज कैसा होना चाहिए। और उसके बाद जब पैकेज को आप ओपन करोगे तो उसके अंदर एक बॉक्स होगा जो अमेजन के तरफ से होगा। तो उस बॉक्स को आप ओपन करोगे तो उसमें आपको फ़ोन का डब्बा मिलेगा और साथ में फ़ोन का बिल मिलेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, जो फ़ोन का बॉक्स होता है और जो फ़ोन का बिल होता है, दोनों पे फ़ोन का EMI नंबर होता है। तो सबसे पहले आपको दोनों को मैच करके देखना है, अगर मैच हो जाए तो आप समझ लेना कि अमेजोन ने जो आपको पैकेज भेजा है वही पैकेज आपको रिसीव हुआ है। लेकिन वेरीफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, आपको आगे भी वेरीफाई करना है। तो अगर मैच ना हो तो फ़ोन के बॉक्स को ओपन भी मत करना, वहीं से रिटर्न कर देना या फिर अमेजोन के पास कंप्लेन कर देना। लेकिन अगर EMI नंबर मैच हो जाए तो आपको फोन का बॉक्स ओपन करने से पहले एक और चीज वेरीफाई करना है। आप फोन के बॉक्स को उल्टा करके देखना, वहाँ पे आपको फोन का सीरियल नंबर दिखेगा। तो आपके पास जो दूसरा फोन होगा उस पे आपको गूगल पे एप्पल कवरेज चेक करके सर्च करना है। सबसे ऊपर एप्पल का वेबसाइट आएगा, checkcoverage.apple.com ऐसे करके उसे आपको ओपन करना है और वहाँ पे वो जो सीरियल नंबर है आपके फोन के बॉक्स पे उसे वहाँ पे डालना है और नीचे कैप्चा फिल करके सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आना चाहिए कि आपका आईफोन एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि आप अपना आईफोन एक्टिवेट करने से पहले चेक कर रहे हो, इसलिए वहाँ पे आना चाहिए कि आपका आईफोन एक्टिवेट नहीं है। अगर आप एक्टिवेट करने के बाद चेक करोगे तो जब आपने अपना आईफोन एक्टिवेट करा होगा वो टाइम आपको वहाँ पे दिखाएगा। तो ये चेक करने के बाद आप अपने फोन का बॉक्स ओपन कर सकते हो, लेकिन बॉक्स ओपन करने से पहले जो एप्पल का ऑफिशियल सील होता है उसे ध्यान से देख लेना, पहले से ब्रोक नहीं होना चाहिए, आप उसे ब्रेक करना और बॉक्स को ओपन करना। बॉक्स ओपन करने के बाद आपको अपना फोन एकदम ध्यान से देखना है, कहीं भी डेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, छोटा सा भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए, आपका फोन एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में होना चाहिए। तो उसके बाद आप अपने फोन को ऑन करना, ऑन करने के बाद पूरा सेटअप कर लेना। सेटअप करने के बाद सेटिंग में आना, जनरल में आना, और यहाँ पे आपके फोन का जो सीरियल नंबर होगा, EMI नंबर होगा, मॉडल नंबर होगा, सब कुछ आपके फोन के डब्बे पे भी होगा। तो आपके फोन का जो मॉडल नंबर होगा वो M से शुरू होना चाहिए, ये चेक कर लेना। अगर M से शुरू होता है तो आप समझ लेना कि आपका फोन एकदम ब्रांड न्यू है। और जो सीरियल नंबर है और EMI नंबर है वो फोन के डब्बे पे जो EMI नंबर है, सीरियल नंबर है, उससे मैच कर लेना। अगर 100% मैच हो जाए तो आप एकदम निश्चिंत हो जाना, आपका फोन 100% ओरिजिनल है। तो भाई लोग, अब बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो अभी तक जितना मैंने इस पे BGMI खेला है उसके एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं उतना ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि पता ना क्यों BGMI इस पे लैग हो रहा है। जब मैं BGMI खेलता हूं तो जब स्मूथ चलता है तो एकदम मस्त चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बीच बीच में पता ना क्यों फ्रेम ड्रॉप होता है, लैग होता है और लगता है कि मैं कोई एंड्रॉयड पे खेल रहा हूं, तो पता ना ऐसे क्यों हो रहा है। और ये हीटिंग वाला भी इशू नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हीट होने की वजह से फ्रेम ड्रॉप होता है तो ऐसा नहीं है, फोन नॉर्मल हीट होता है, मतलब उतना ज्यादा भी हीट नहीं होता है कि FPS भयंकर ड्रॉप कर दे। और FPS जो ड्रॉप होता है वो भयंकर होता है, फोन मतलब उतना हीट भी नहीं होता है और ना ही चार्जिंग के टाइम फोन हीट होता है। जब आप फोन चार्ज भी लगाओगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हीट होता है, लेकिन बाद में
में एकदम फोन ठंडा हो जाता है और चार्जर भी ठंडा हो जाता है। और जब मैं पंखा चालू करके गेम खेलता हूँ तो फोन नॉर्मल हीट होता है, क्योंकि फोन का बैक ग्लास बैक है इसलिए थोड़ा सा तो हीट होगा ही, तो उतना नॉर्मल हीट चलता है, उसके वजह से कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं होना चाहिए। लेकिन बीच बीच में गेम भयंकर फ्रेम ड्रॉप करता है और ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा लैग ही लगता है बीच में। स्मूथ चलता है तो बहुत स्मूथ चलता है, लेकिन बीच बीच में फ्रेम ड्रॉप होता है और लैग होता है। और मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने इस फोन को अपडेट नहीं करा है, तो अगर आप लोगों में से कोई आईफोन 13 यूज कर रहा होगा तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके फोन में गेम कैसे चल रहा है अभी, और आपने अपना फोन अपडेट करा है या फिर नहीं करा है, ये भी आप कमेंट्स में जरूर बताना। तो देखो, ये प्रॉब्लम जो है पता ना गेम का इशू है या फिर फोन का इशू है। फोन तो ऐसे देखे तो काफी पावरफुल है और फोन का इशू नहीं हो सकता है, तो हो सकता है कि गेम अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं हो इस अपडेट में, उसके वजह से लैग हो रहा हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आगे देखते हैं, अगर मुझे कोई सॉल्यूशन इसका मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो भाई लोग, फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।